मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रानी पोखरी के नवनिर्मित पुल का उद्घाटन किया। करीब 16 करोड़ की लागत से झारखंड नदी पर यह पुल बनाया गया है। पुराना पुल पिछले साल अगस्त महीने में ही नदी के तेज बहाव में ही हो गया था। इसके अलावा सीएम धामी ने अन्य पुलों का भी लोकार्पण किया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रानी पोखरी में झारखंड नदी पर बने नवनिर्मित पुल का विधिवत पूजन अर्चन कर उद्घाटन किया। लोक निर्माण विभाग ने 16 करोड़ की लागत से पुल का निर्माण किया है। इसके साथ ही सीएम धामी ने 13 करोड़ की लागत से तैयार विकास नगर में लांघा मोटर मार्ग पर शीतला नदी पर बने पुल को भी जनता को सौंपा। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि रानी पोखरी पुल के गिरने से जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यही पुल राजधानी से पूरे गढ़वाल को जोड़ता है। उन्होंने जनता की परेशानी को देखते हुए 6 महीने के भीतर कार्यदायी संस्था को पुल को तैयार करने को कहा और समय रहते पुल का निर्माण हो भी गया। केंद्र सरकार के सहयोग से उत्तराखंड में सड़कों का जाल बिछ गया है। वहीं चार धाम को जाने वाले मार्ग बेहतर हो गए हैं। सीएम ने कहा कि उन्होंने कहा देहरादून से दिल्ली की दूरी अब कम होने जा रही है। आने वाले शनिवार और रविवार को दिल्ली से लोग बड़ी संख्या में आएंगे। उन्होंने कहा कि 5 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आने वाला समय उत्तराखंड का होगा और वो सपना साकार हो रहा है। रिकॉर्ड पर्यटक उत्तराखंड आ रहे हैं। बता दें कि 27 अगस्त 2021 को देहरादून ऋषिकेश हाईवे पर रानी पोखरी में पुल का बड़ा हिस्सा टूटकर गिर गया था। जब पुल गिरा उस समय उसके ऊपर वाहन दौड़ रहे थे। पुल का जो हिस्सा टूटा वहां कुछ वाहन फंस गए, कुछ पलट गए। दो छोटे हाथी वाहन के साथ एक और वाहन नीचे फंस गया था। गनीमत ये रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई थी। एनकेएन न्यूज की डेस्क रिपोर्ट। रानी पोखरी का बहुप्रतीक्षित पुल, जिसका आप सब लोग काफी लंबे समय से बनकर तो तैयार हो गया था, लेकिन लोकार्पण का इंतजार कर रहे थे उसके उद्घाटन के अवसर पर, और साथ में लंबरपुर लागा मार्ग जो शीतला नदी के ऊपर जिसका निर्माण कार्य संपन्न हुआ है, हमने कहा कि यह पुल 6 महीने के अंदर बनाएंगे हम लोग। मुझे खुशी है कि ये पुल अपनी तय समय सीमा पर पूरा हो गया। इसके लिए मैं सभी लोक निर्माण विभाग के सभी अधिकारियों को, सभी कर्मचारियों को और हमारी कार्यदायी संस्था को, उन सभी को मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं। अब तेजी से इस पर सड़क का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। चार धामों पर आने वाले यात्रियों को अत्यधिक सुविधा, जो पहले असुविधा के रूप में होती थी, अब अत्यधिक सुविधा के रूप में होगी।